झालावाड़ जिले के जिला एसआरजी और जुनाना अस्पताल में प्लेसमेंट कर्मचारियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया। तो वहीं इन्होंने मामले में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन मनीष शुक्ला के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर भी अपनी पीड़ा जाहिर की। इसके बाद जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन और अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठक कर जल्द से जल्द कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही समस्या दूर करने के निर्देश दिए। आज जिला कलेक्टर महोदया को ये अस्पताल के तमाम प्लेसमेंट के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनको पिछले ढाई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। बराबर डीन साहब को अवगत कराया गया, बराबर अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उसके बाद इनको आश्वासन भी दिया, इन्होंने थ्रेड भी करा कि हम जो है मतलब बराबर हम जो है वो उस पर हड़ताल पर जाएंगे, काम रोक देंगे। लेकिन बार बार इनको आश्वस्त किया गया कि नहीं, आप काम मत रोके, आपका पेमेंट आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा। वो बहुत परेशानी की थी, पिछले 15 दिन से हम हर बार दो बार हम हड़ताल कर चुके हैं। डीन साहब को, अधी साहब को अवगत करा चुके हैं, पेमेंट काट काट के डाल रहा है, 50-50 कर्मचारियों का पेमेंट डाल रहा है। आज भी कल भी हमारी वार्ता हुई थी डीन साहब से, अधी साहब से, उन्होंने कल भी बोला था कि आज शाम तक सबकी सैलरी आ जाएगी। हमने उनको बोला था अगर आज सैलरी नहीं आती है तो कल से हम अपना कार्य बहिष्कार करेंगे। हमने कार्य बहिष्कार किया है और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है। मैडम अभी हॉस्पिटल जा चुकी है, उन्होंने बोला है कि आप 5 कर्मचारी आ जाइए, मैं अभी वार्ता कराती हूँ, जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा।